तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में डाटा रोमिंग करके एक सेटिंग होता है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये जो सेटिंग है वो आपके फ़ोन में क्यों होता है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा रोमिंग करके एक सेटिंग आता है आपके फ़ोन में जो कि सभी के फ़ोन में रहता है। तो बेसिकली दोस्तों ये क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो बेसिकली आपके फ़ोन में दोस्तों डेटा मिलता है और आपको मैसेज मिलता है और यहाँ पे आपको कॉलिंग की सर्विस आपके फ़ोन में दी जाती है। लेकिन गाइस वो जो सर्विस होता है वो आपको स्टेट में मिलता है, और अगर आप यहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में जाके यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में डाटा रोमिंग जो है वो ऑन हो जाता है और आपके फ़ोन में कुछ SMS मतलब कि पॉपअप्स SMS आता है डाटा रोमिंग इज़ ऑन इट करके। तो बेसिकली आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इसको ऑन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आपके फ़ोन से जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, तो आपको इसको ऑन करना ही रहता है तभी आप यहाँ पे इंटरनेट और कॉलिंग का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में चार्ज लगेगा। तो अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि आपके फ़ोन में डाटा रोमिंग क्या होता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।